नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। 11 बजे की 11 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की, जिन्होंने संसद की वीडियोग्राफी के मामले में अब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संज्ञान लिया है और कहा है कि सुरक्षा कारणों से वीडियो की जांच कराई जाएगी। विवाद एपी सांसद भगवंत मान के उस वीडियो पर है जो उन्होंने संसद के अंदर शूट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सांसदों ने इसे संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। आज मैं सभी चीज आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने संसद की सुरक्षा से क्यों किया खिलवाड़? क्या मेरी वीडियो से संसद खतरे में आ गई? यहाँ तक तो बड़े बड़े कैमरे आप भी लेके खड़े हो, आप खुद खड़े हो। पार्लियामेंट के एंट्री से लेके अंदर तक, सेंट्रल हॉल और लोकसभा कक्ष, उसका जो वीडियो अपलोड किया है वो आपत्तिजनक है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है। देश की जिस संसद पर आतंकी हमला हो चुका है उस संसद की वीडियोग्राफी क्यों? कैसे लकी ड्रॉ निकलता है, कौन कौन यहाँ पे बोलेंगे? अगर ये बताना अनुचित है तो मैं तो हैरान हूँ इस बात से। देश पहले ही बाह्य और आंतरिक खतरों से गुजर रहा है, ऐसे वायरल को कोई विदेशी ताकत या विरोधी ताकत दुरुपयोग ना कर सके। आम आदमी पार्टी के सांसद के लिए संसद की सुरक्षा जरूरी या संसद की शूटिंग? मैं अपनी ऑथोराइज गाड़ी में आया हूँ, जब तो गलत गाड़ी में आ गया हूँ। सेंसर से कैसे गेट खुलता है वो सेंसर किन्होंने बनाया? सेंसर मुझे लोकसभा ने दिया है। लेकिन संसद के भीतर का फोटो बना करके फेसबुक पर लगाना ये हास्य का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। कि कोई संसद पर किसी प्रकार का ऐसा हम अपने तरफ से ना करें जिससे असुरक्षा बढ़ सके। क्या केजरीवाल के सांसद भगवंत मान संसद की सुरक्षा का सम्मान नहीं कर सकते? लोगों के सवालों के डालने की प्रक्रिया क्या है? ये गैर कानूनी, इतना गोपनीय रख लिया। आजकल तो जो है वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है पार्लियामेंट में, उसमें सिक्योरिटी के और तमाम तरह के ठिकानों को दिखाना और उसको वीडियो बना करके सब जगह फेसबुक पर डालना, ये तो बहुत ठीक बात नहीं है। संसद की वीडियोग्राफी करने के बाद सीना जोरी पर क्यों उतरे भगवंत मान? मैं कल फिर लाइव करूंगा, ये मुझे नोटिस आ जाएगा संसद की सुरक्षा से आम आदमी पार्टी का खिलवा। तो एपी के सांसद भगवंत मान ने जो वीडियो बनाया वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे संसद की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा ये समझने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर रविंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। रोज की तरह भगवंत मान आज इस आयरन गेट से संसद के लिए आए। सांसदों को यह प्रिविलेज है कि उनकी गाड़ी में एक सेंसर की वजह से उनकी गाड़ी सीधे संसद भवन आती है और उस आयरन गेट के पास आते ही भगवंत मान ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू किया, कमेंट्री करना शुरू किया और रिपोर्टिंग करना शुरू किया कि कैसे संसद भवन में इंटर किया जाता है और कहाँ पर सुरक्षा प्रहरी खड़े होते हैं। वो अपनी गाड़ी से सीधे गेट नंबर 1 तक आते हैं जहाँ से सांसद लोकसभा के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें, कमेंट्री करते रहें और अंदर में जहाँ पर नोटिस बोर्ड है वहाँ तक गए कि नोटिस बोर्ड में क्या क्या होता है। इस बीच में सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सांसद हैं भगवंत मान हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा जो अधिकारी थे उनकी बात को नहीं माना, वीडियो शूट करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो शूट को उन्होंने अपने फेसबुक पर भी डाल दिया, जो फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में देखा जा सकता है और पूरी दुनिया में देखने वालों में आतंकवादी भी हो सकते हैं। इस संसद भवन पर पहले भी आतंकवादी हमला हो चुका है। और अब देख लेते हैं 11 बजे की कुछ और बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। विदेश मंत्रालय ने कल पाकिस्तान में हुई जमात उद दावा की भारत विरोधी रैली पर भी सवाल उठाए। लोकसभा में कश्मीर पर बहस के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है। हमारा पड़ोसी किस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहा है, भारत को डिस्टर्बलाइज करने की कोशिश कर रहा है,
और मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत में यदि आतंकवाद है तो वह पाकिस्तान के द्वारा इस्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। राजनाथ ने कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने के विवाद पर भी जवाब दिया। कहा विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगी कि इसका विकल्प क्या होगा। एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाऊंगा जो कि यह देखे कि नॉन लेथल वेपन के रूप में जो पैलेट गन का जो प्रयोग किया जाता है तो इसके दूसरे अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए श्रीनगर में हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य में फिर से शांति बहाल करने पर बात हुई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में हुई बैठक में सभी दल शामिल हुए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका बहिष्कार कर दिया। हम चूंकि जमहूरियत नवाज पार्टी है, हम ये मानते हैं कि कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, विद इन स्टेट हो, विद इन कंट्री हो, इंटरनेशनली हो, बातचीत ही एक अल्टीमेटली एक रास्ता है। कश्मीर में पिछले 13 दिनों से जारी तनाव के बीच आज फिलहाल 4 जिलों में कर्फ्यू हटा लिया गया। इनमें बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम और गांदरबल शामिल हैं। 6 जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हुई हिंसा में 38 नागरिकों की मौत हुई, जबकि एक जवान शहीद हुआ है। बिहार के नालंदा में एक महिला को घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके पति की तलाश की जा रही है। जो भी झंडा था उसको सीज करके ले जाया गया है, फिर आगे सत्यापन का जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी थाने स्तर से। बीजेपी ने कहा है कि वोट बैंक के चक्कर में नीतीश कुमार अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। लालू जी, नीतीश जी इसलिए इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि उन्हें वोट चाहिए, वोट चाहिए। ये लोग वोट को प्रमुखता दे रहे हैं, अलगाववादी तत्वों को उनसे मनोबल बढ़ रहा है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार का बचाव किया है। कश्मीर में रोज फाड़ रहा है, जहाँ इसका सरकार है, कौन फहराया नहीं फहराया उसका कोई मतलब है क्या है? देश के कई हिस्सों में बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर के खिलाफ बीएसपी के प्रदर्शन पर मायावती ने कहा कि लोग उन्हें देवी की तरह देखते हैं और उनको मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, मुझे वो सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। दयाशंकर सिंह की अभद्र टिप्पणी के जवाब में बीएसपी विधायक उषा चौधरी ने गाली दी, जबकि बीएसपी की पंजाब अध्यक्ष जन्नत जहां ने कहा कि दयाशंकर की जीभ काटने पर वो 50 लाख का इनाम देंगी। जो भी मेरे को उसकी जीभ लाके देगा उसको 50 लाख का इनाम जन्नत जहां खुद देगी। बीएसपी के प्रदर्शनों में भी दयाशंकर के परिवार के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गयी। मायावती के अपमान और बीएसपी के प्रदर्शनों पर बीजेपी ने कहा है, महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाला गया, लेकिन मायावती इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश न करें। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम सजा जो वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दे सकती है वो दयाशंकर सिंह को दे दी है। अब इस पर राजनीति करने से नुकसान हो जाएगा, मामले की गंभीरता कम हो जाएगी। यूपी पुलिस ने दयाशंकर सिंह पर SC/ST एक्ट, गाली गलौज और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज की है और कई जिलों में उनकी तलाश में छापे भी मारे हैं। गुजरात के ऊना में दलित उत्पीड़न की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि ऐसी घटनाएं मानवता के लिए कलंक है। कि इस प्रकार की हमारे देश के दलितों पर होने वाली जो अत्याचार की, चाहे फिजिकल वायलेंस की हो अथवा वर्बल एब्यूज़ की हो, वो हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं ऊना के दलित पीड़ितों से मुलाकात के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस दलितों के साथ है। मोदी जी के गुजरात में हर रोज पीटा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है। कांग्रेस पार्टी, गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। 11 जुलाई को ऊना में पीड़ित दलित परिवार को मरी गाय की खाल उतारने के आरोप में पिटाई की गई थी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा की खुदकुशी का मुद्दा आज संसद में भी उठा। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया, चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। ऐसे राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन द्वारा डीरेकग्नाइज किया जाना चाहिए। दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने आज केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। धरने में सोनी मिश्रा के पिता भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल को वो चुप है, इसलिए वो दोषी है, वो माफी मांगे और
मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे, इंसाफ मिले, व्यवस्था किया जाए दोनों बच्चे का। 19 जुलाई को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने खुदकुशी कर ली थी। सोनी ने आम आदमी पार्टी के नेता रमेश भारद्वाज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सोनी ने यह भी आरोप लगाया था कि जब उसने केजरीवाल से मामले की शिकायत की तो उन्होंने उससे समझौता करने को कहा था। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास पड़ोसी देशों के विकास से जुड़ा है। पीएम के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर 8 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह न केवल बायलेटरल ट्रेड के विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि का एक अहम द्वार भी है। आने वाले समय में भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसे 8 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने का काम भी पूरा कर लेंगे। पेट्रोपोल बेनापोल चेकपोस्ट बनने से दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। इस चेकपोस्ट से हर रोज लगभग 15 लाख लोग गुजरते हैं और हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होता है। दिल्ली पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 62 साल के पीएन सान्याल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सान्याल नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के पास विदेशी लड़कियों को भेजता था। इस सेक्स रैकेट में एक पूर्व कर्नल का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस को सान्याल के पास से बड़े नेताओं के लेटरहेड्स भी मिले हैं। आरोप है कि फर्जी दस्तखत करके सान्याल सांसदों के लेटरहेड्स का गलत इस्तेमाल करता था। फोन रिकॉर्ड्स, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएस मैसेजेस, उनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। इनके साथ इस सारे जो इस क्राइम में जो जो भी इनके एसोसिएट्स थे उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद शाहिद को आज वाराणसी में सुपुर्द खाक किया गया। शाहिद के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची। ड्रिबलिंग के मास्टर कहे जाने वाले शाहिद के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर ले जाया गया। लंबी बीमारी के बाद कल गुड़गांव के अस्पताल में उनका निधन हो गया था। शाहिद 1980 के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे।